अभी प्रोग्राम शुरू भी नहीं हुआ, यो देखो, और यहाँ पे धनखड़ साहब आएंगे अभी, और सच में आज का कार्यक्रम बहुत बड़ा है। उनके बेटे से बात हो चुकी है, वहाँ पे जेंट्स से बात हो चुकी है, ये बात कर रहे हैं यहाँ पे महिलाओं में, कि उनका क्या कहना है। बहन जी राम राम। राम राम भाई, राम राम। और जी ठीक ठाक हो? हाँ ठीक ठाक भाई। इनकी बार इलेक्शन में अकेला क्या, धनखड़ साहब की स्थिति कैसे, मजबूत है कमजोर है अकेला? भाई इलेक्शन में है ना, 5 साल तक दुनिया छक रही है, कुलदीप ने कुछ नहीं करा, सारा हल्का पीछे न गया, इस मारे करके ना भाई बादल हल्के ने मन बना लिया, धनखड़ न ले आवांगे, हमने विधायक नहीं चाहिए, हमने मंत्री चाहिए सर। मंत्री बनेंगे सर? मुख्यमंत्री भी चाहिए सर भाई, हम तो मंत्री के नहीं, मुख्यमंत्री की उम्मीद हमारी। अच्छा हाँ, लगे मुख्यमंत्री बना देंगे? हाँ जी, एक बार तो चर्चा चल रही थी। सुनो, इनके काम न देखेंगे तो जी, संगठन ने भी और प्रदेश ने भी यह चीज देखनी चाहिए, क्योंकि जो काम धनखड़ साहब ने कर रखा है ना, इतना जी किसी नेता नहीं कर रखा। आपने क्या लगे जी? जिला का पूरी उम्मीद है, जीतेंगे जी, पूरी उम्मीद है। कांग्रेस से क्यों करार जाएगी, कुलदीप वसाड़ विधायक है? देखो जी, कम काम ना करा तो पब्लिक ने तो काम चाहिए जी, ग्राउंड पर जो काम कर रहेगा वो नेता तो आवेगा ना। ठीक, यह चीज तो आप भी समझो, सो जो ग्राउंड पर धरातल पर उतर का काम कर रखा धनखड़ साहब ने, वो जी पूरे बादल हल्के में के पूरे हरियाणा में दिखे सर, और कुलदीप का की तो कम में नहीं दिखता, तो पर्ची क्यों देंगे जी? पर्ची मारी सा धनखड़ ना देंगे, कुलदीप का उड्डागा क्षेत्र, उड्डागा प्रभाव, उड्डागा क्षेत्र सर कलोई बादल सा धनखड़ का, अरे उड्डागा को रोल ना है भाई, उड्डागा यहाँ नहीं है उसका, ना यहाँ नहीं है जी, यहाँ बोलो उड्डा उड्डा धनखड़ में, बादल में धनखड़, ओम प्रकाश धनखड़। राम राम जी। राम राम। और ठीक ठाक जी? क्या भाई? ठीक ठाक हो? बढ़िया, ठीक भाई, जमा स्वस्थ हो? गर्मी तो हो रही है थोड़ी? कोई बात नहीं, गर्मी हो रही है, गर्मी ना लग गई, गर्मी ना लगा, गर्मी को लग गए क्या बोल रहे? अच्छा, ये बार इलेक्शन किसा लग गए, धनखड़ साहब जीतेंगे? जीती भाई 100%, 100%, 100% जीतेंगे भाई, खर्ची बच्चा नहीं भाई, वैसे नौकरी मिल रहा है बच्चे की काबिलियत, काबिलियत नौकरी मिले है, कांग्रेस सरकार में रुपया लिया करती, ये बच्चे कभी फ्री फ्री में अपने दिमाग थे, हुशार बच्चे थे, रह जाया करते पीछे, और अब बच्चे पार जा है नौकरी के, और बनेगा भाई, मारा 100% बनेगा भाई। राम 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 राम। अच्छा, क्या लग रहा है इलेक्शन किस स्तर पे जाने लग रहा है, जीत किस स्तर पे जाने लग रहा है? ओम प्रकाश धनखड़ जी की तरफ जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे, 100% जीतेंगे। हुड्डा हुड्डा जो नाम धनखड़ धनखड़ हो रहा है, क्या हो रहा है? धनखड़ जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा धनखड़ जीतेगा। राम राम जी। अच्छा, क्या लगा इलेक्शन कैसे देखने लग रहा है, कौन जीता है, कौन आ रहा है? भाई साहब, हम चरखी दादरी से आए हैं, मैं पूर्व जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा, और हमारे धनखड़ जो प्रदेश अध्यक्ष थे उस टाइम पे, हमारी सरकार ने और अब भी हमारी सरकार ने बहुत सारी ऐसी ऐसी योजनाएं दे रखी हैं, जिससे हमारी सरकार 100% बनेगी और धनखड़ यहाँ से जीत के निकलेगा, जीतेंगे, बिल्कुल जीतेगा, क्योंकि लोकसभा में तो हुड्डा साहब मजबूत थे, पर यहाँ पे विधायक भी कांग्रेस के ही है। नहीं, यहाँ पे आप देखना, हम हरियाणा में हमारी सरकार बनेगी, बनेगी जी, बिल्कुल 100%। धनखड़ साहब तो यहाँ से जीत जाओगे, लेकिन सरकार किसकी? सरकार भी बीजेपी की बनेगी, धनखड़ जीत जाएंगे, बीजेपी की सरकार लाएंगे, पूरा हरियाणा में जीत होगी बीजेपी। अच्छा जी, हाँ जी, आपने क्या लगता है कौन जीतेगा? ओपी धनखड़ जी, चल पूरे हरियाणा बीजेपी सरकार आओगी, कांग्रेस के घोटाले बहुत हो रहे हैं, अरे सुंदर मोदी ने 370 हटा दी और महिला का आरक्षण दे दिया, सबसे आगे महिला करी है, हम तो उसके मोदी को जय जयकार कर रहे हैं, भाजपा सरकार आए उसको वोट देंगे, कांग्रेस की कोई। कई बार सीएम की भी चर्चा चल जाए, ओम प्रकाश धनखड़ का भी नाम आ जावा है, क्या लगे बन भी सके हैं? बिल्कुल बन सकते हैं, जनता लेके जाएगी उन्हें, जनता बैठी है उनके साथ।
आपने क्या लगा जी, अगर धनखड़ साहब सीएम बन जावे के कुछ और नया काम हो उसका? बहुत कुछ नए काम होवेंगे, आप बनाओ तो सही मौका दो। बादली में कोई तहसील नहीं थी, धनखड़ साहब ने बादली में तहसील ले दी, सब महिला चांस सेंटर ले दिए, मशीन दिवा दी, गांव में वो खोल दिए, स्टेडियम खोल दिए, सब महिलाएं हैं, खेल कूद में बच्चे भी खेल रहे हैं। इतना याद को करो रहे आपका भाई, इतना इतना काम करा, इतना बहुत काम करवा दिया हमारे मंत्री ने, हम उनके साथ रहे, हम जुड़े हैं, हमारा बहुत सारा काम करा। हम 5 साल हमारा मंत्री हार गया, हम 25 साल पीछे गए, 25 साल का सुधारा करेंगे हमारे मंत्री साहब। देखो भाई यहाँ पे स्थिति तो मजबूत है, बाकी अभी प्रोग्राम और लंबा चलेगा क्योंकि अभी तक धनखड़ साहब आई नहीं है और अभी तक जी जी जी। तो भाई देखो उत्साह तो है लेकिन कैमरे के आगे बोलना थोड़ा सा हेजिटेशन वाली समस्या हो जाए, बोलना तो चाहे हैं पर हेजिटेशन प्रॉब्लम है, लेकिन बहरहाल फिलहाल ये वीडियो इतनी है। और क्या कुछ कहना है आपका, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे। राम राम जी। राम राम। अच्छा क्या लगा धनखड़ साहब जीतेंगे? धनखड़ साहब की एक तरफी जीत। क्यों कर लग गए? माहौल देखो, माहौल तो से आई पे तो आए भी नहीं, भीड़ होली पूरी। हाँ तो भीड़ होली, एक तरफी माहौल है, एक तरफी हमारे धनखड़ साहब नकाम ही दड़े कर रहे हैं, बिना खर्ची बिना पर्ची हमारे बच्चे लग रहे हैं, और बाद वाले हल्के में इतना विकास कर रहे क्या है, पिछली बार नहीं आए धनखड़ साहब, 25 साल पीछे चली गई पब्लिक, 5 साल लाने से 25 साल पीछे पीछे चले गए, पूरा हल्का पीछे चला गया भाई। धनखड़ साहब का जो कार्यक्रम बहुत शानदार है और जर से मैं बादली तक आया लाइन ही टूटी थी भाई, इतनी भीड़, इतनी गाड़ियों की भीड़ थी। राम राम जी। राम राम भाई। ठीक ठाक बढ़िया। अकेला का इलेक्शन क्यों होना है अब की बार भाई? ओम प्रकाश धनखड़ आना है, 5 साल पब्लिक ने देख लिया है झूठा और सारा में कोई डिग्री नहीं इसके पास, कोई कुछ नहीं, और हमारा हल्का का कोई किता आना नहीं दे रहा, सवाए नाश का कुछ नहीं हुआ, कई साल पीछे चला गया हल्का, तो पब्लिक का बहुत पछता रही है। फिर भाई वो अपनी धनखड़ को ले आएंगे और अपना विकास करवाएंगे, और इतने दिन से जो है पब्लिक परेशान हो रही है, अब की बार मुश्किल से मौका मिले, आप भूल नहीं करेंगे इतनी मोटी जो पिछली भूल कर दी पिछले गेड़े के कमी रहेगी तो बार पूरी हो जाएगी। धनखड़ साहब ने बहुत सारे विकास कार्य करवाए थे, हर गांव में कोई भी गांव ऐसा नहीं था जिसमें 5 करोड़ से कम का बजट दिया हो, उन्होंने बादली को उपमंडल भी बनवाया, और बादली में जो काम 50 साल में नहीं हुआ ना वो धनखड़ साहब के टाइम में 5 साल में हुआ था। पिछली बार लोगों को ये लोग बैक आ गए झूठे वादे करके और कुछ करके, 5 साल में कुलदीप वत्स जी कहीं नहीं दिखाई दिए, अब की बार एक तरफा ले रहा वो आप भी देख सको, आपने दिखाई भी दे रहा सब कुछ, एक तरफा धनखड़ साहब की जीत निश्चित है जी। राम राम भाई। राम राम भाई। केला गए भाई की बार ओम प्रकाश धनखड़ पार है, तब लगे जीतेंगे धनखड़ साहब। हाँ धनखड़ साहब जीतेंगे, लग गए धनखड़ है हम भी। अच्छा जीत जाऊंगे धनखड़। हाँ की बार खूब। कांग्रेस के बाद कमजोर लग गए है कांग्रेस की, बगावत हो रही है उसकी। लगे भाई की बात भाई धनखड़ साहब पार है बिल्कुल आराम से, क्योंकि कुलदीप जी खुद पर्सनल बगावत है, वो भी कुछ उनका उन्होंने जो इंटरफेयर करे ना गांव में गला इलेक्शन नाम सरपंच क्या मैं, वैसे भी उस वजह से लोग उनके खिलाफ हैं। अच्छा सरपंच के इलेक्शन में इंटरफेयर करके वो चाहे जिस तरह खिलाफत है, खिलाफत है वैसे भी उनके क्या है किसी के सुख दुख में शामिल कम होते हैं, वैसे नहीं आते, और जो अपने पर्सनल एक दो आदमी पकड़ लिए सिर्फ उनके पास रहना, उन्हीं के साथ व्यवहार करना, और किसी को आम जनता के बीच में नहीं आते कभी भी। सबसे मेन बात है आम जनता ही तो वोट देती है, उनकी वोटों की कोई गिनती नहीं करते फिर, कुछ जो समर्थ आदमी है सिर्फ उनके पास ही आना, उनके साथ ही रहना और उन्हीं के बीच में रहना, उनसे ही संपर्क करना, तो उस वजह से हमारी जो जनता है वो नाराज है, हम वोट देंगे धनखड़ जी। कांग्रेस वोटर ही नाराज है, हम तो हम हैं। कुलदीप वत्स हमारे गांव में 1 करोड़ रुपये उठ कर गया था, गोद लेक गया था, अरे वो तो मर्यादा अभियान तो का कोने
अच्छा हमारे गांव में जात पात का फालतू इलेक्शन फैलान लाग रहा है। ब्राह्मणा के सारे काम मुंतब करते कोई जाट जा तो उसका जवाब ना देता, जातिवाद का भी वो फैलान लाग रहा है। अच्छा भाई घर अब की बार भाई धनखड़ साहब की सरकार आओगी जरूर, क्योंकि यह सरकार है ना जो मेहनती युवा हैं, जो मेहनत कर रहे हैं उनकी सरकार है। कांग्रेस सरकार में जो पैसा जिस दौरे है जिस दौरे भाई जो सत्ता में जिनकी साझेदारी उनके बाड़क लग गए ना तो किसी के बाड़क नहीं लग। राम राम मेरे भाई क्या लगा है आपके बारे में? एक तरफा जीत ओम प्रकाश धनखड़ की, एक तरफा जीत। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ पांच साल में कुलदीप वस्त ने कोई काम नहीं किया किसी भी गांव में, और ओम प्रकाश धनखड़ ने पांच साल में छक्का काम कराया, और वे अब भी प्रदेश अध्यक्ष जब भी करा रहे थे अब भी करा रहे। उनकी एक लगन है कि विकास और बादली हल्का आगा बढ़े, हमारा पूरा हरियाणा आगा बढ़े। अरे एक तरफा जीत होगी बहुत ज्यादा बहुत क्या, अरे ये कह रहे भाई बादल विकास नहीं होया, अरे जब फार्म बनी आ रहे सब तो इसके बाद विकास क्यों होगा? आप बताओ ये बढ़िया विकास हो रहा है, एक तरफा जीत है। माहौल तो इनके बारे इमोशनली भी धनखड़ साहब के साथ जुड़ गया है, और कंपेयर भी करा पिछले पांच साल इस पांच साल तो लगा है कि भाई धनखड़ साहब ने थोड़ा सा ज्यादा काम करवाया। भाई आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद भारत माता की जय। युवा नेता आम जनता के बीच में जाकर मिलने लग रहे हैं, नहीं तो उस स्टेज में बैठ जावे और फिर वहां भाषण देकर चले जावे। ऐसा है सकती भाई, मैं नेता नहीं, मैं पूरे बादली हलके का भाई हूं, बेटा हूं और इनका टाबर हूं, और हमेशा लोगों के बीच में रहा हूं, सेवा करता हूं और आगे भी सेवा करता रहूंगा। तो आज इसलिए मेरा परिवार यहां एकत्रित हो रहा है, तो सबका आशीर्वाद लेने के लिए मैं इनके बीच में रहूंगा। क्या अब की बार मैसेज ये है अब की बार है कि थोड़ा सा लोग इमोशनली ज्यादा जुड़ रहे हैं, और पांच साल का काम देखा है भाई धनखड़ साहब ने जो पांच साल में करा था अब जो पांच साल में हुआ है तो लोगों का यूं है कि भाई गलती होगी शायद। ऐसा था जगदीप भाई, पिछली बार लोगों ने देखा कि भाई पांच साल तक बड़ा गैप रहा, हल्का कई साल पीछे चला गया, और जब बादली हल्के से बादली का बेटा चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी यहाँ से विधायक और मंत्री थे तो हजारों करोड़ों की ग्रांट हल्के में दी, बहुत सामाजिक काम कराए, लगातार हल्के के बीच में रहे और सच्चाई से ईमानदारी से राजनीति करी। लेकिन पांच साल जो झूठ की राजनीति चली उससे बहुत ही ज्यादा परेशान है बादली का हल्का, और हल्कों ने ठान लिया है, बादली हल्के ने ठान लिया है कि इस बार हम सच्चे ईमानदार नेता को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। पिछली बार आपने भी कम मेहनत कर दी, अब की बार आपका भी वजन घट गया। वजन ठीक है, पिछली बार भी थी, इस बार भी लगातार मेहनत है, लोगों के बीच में परिवार वालों का सबके आशीर्वाद लेते हुए लोगों के बीच में चले हुए हैं। तो फाइनली कब तक ये सारा माहौल तैयार हो जाएगा, जो बड़ी बड़ी रैलियां हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम है, कब से शुरू हो जाएगा? आज शुरुआत है, आज आगाज है नामांकन के साथ, और आज नामांकन के अंदर ही मैं 100% बताना चाहूंगा कि हल्के वालों को भी पता लग जाएगा, पूरे हरियाणा में पता लग जाएगा कि इस बार बादली से ओम प्रकाश धनखड़ जी निश्चित रूप से जीतेंगे, और आज से शुरुआत होते होते इलेक्शन बढ़ता चला जाएगा, और आखिरी में आगाज में कोई बड़ी रैली होगी तो उसको भी वोट ठाटी रैली करने का काम करेंगे। लेकिन आज एक आगाज है और लोगों ने ये ठान लिया है कि बादली के अंदर बदलेगी आवाज। बहुत तो भाई ये हमारे भाई साहब ओम प्रकाश धनखड़ के बेटे हैं, और भाई जोश अब की बार थोड़ा सा अलग है, और कुछ बहुत सारी बातें देख करते रहेंगे, आम जनता से बात करेंगे। फिलहाल यह वीडियो किसी लागी कमेंट बॉक्स में राय दे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद भारत माता की जय। थैंक यू।